समय शुरू हो रही है 5 सेकंड में। 3, 2, 1 स्टार्ट। आजकल हमारे देश एवं प्रदेश में यह फैशन सा चल पड़ा है कि कुछ विशिष्ट लोग दूसरों के द्वारा पहनाई गई सुगंधित पुष्पों की माला को पहनने के तुरंत बाद ही उतार देते हैं। उन्हें यह सम्मान सूचक माला ऐसी लगती है जैसे किसी ने उनके गले में काला नाग लपेट दिया हो। हमारा प्राचीन साहित्य एवं इतिहास यह स्मरण कराता है कि सुमन माला को निकालने के कारण ही देवासुर संग्राम तक छिड़ गया था, जिसमें कंठहार को निकालने के अपराध में देव राज इंद्र सिंहासन से उतार दिए गए थे। गले में डाली गई माला की सुगंध स्वाभाविक ही नाक में प्रवेश कर जाती है, जिससे भीतर समाई हुई दुर्गंध दूर हो जाती है। मन प्रसन्न एवं प्रफुल्लित हो जाता है। रोग दोष भाग जाते हैं। शरीर में स्वस्थ और शुभ संकल्पों का सम्यक समीकरण जागृत हो
जाता है। गले में डाली गई माला का अपमान करने के ही कारण भगवान शिव की सती को अपने ही पिता दक्ष द्वारा संचालित यज्ञ में आहुति देकर अपने शरीर को नष्ट करना पड़ा था, क्योंकि उनके पिता ने ऋषि द्वारा दी गई माला का अपमान किया था। हमारे देश में जिस तरह नई शिक्षा नीति के माध्यम से सामाजिक आर्थिक पुनर्गठन का कार्य शुरू किया गया है, उसी प्रकार सोवियत संघ में शिक्षण पद्धतियों के विशेषज्ञों के साथ साथ अध्यापक गण शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार के श्रेष्ठ तरीकों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इसे स्कूल में का नाम दिया जा रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि अपने समय के एक महान समाजवादी नेता थे, एक बार कहा था कि जिस प्रकार तवे पर रोटी बार बार पलटने से ठीक प्रकार से पक जाती है, उसी प्रकार संसदीय लोकतंत्र में व्यवस्थाओं के बदलते रहने से लोकतंत्र मजबूत होता है। अतः कोई भी व्यक्ति अपना
एक छत्र, मनमाना शासन संचालित करने की चेष्टा नहीं करेगा। दोस्तों, यह डिक्टेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।